और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचा देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है।